एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल गुज्जू प्रवासी में, और मैं आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा लास्ट बार मैंने जो आपको दिखाया था केड़ीगढ़ मंदिर यहाँ गुजरात का, तो ये भी ऐसा ही एक लोकेशन है हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट का, बालासोर तालुका का है, जिसका नाम है लीलवनिया। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो बोर्ड है लीलवनिया, तो लीलवनिया एक महादेव जी का टेम्पल है। और दोस्तों ये नेचुरली है, और मैं मेरी टीम के साथ आया हूँ, जो मेरे सभी दोस्त है, ऊपर हाई कर दोस्तों। ये जाते हैं यहीं से, आपको ये रास्ता बालासोर से आता है, और तकरीबन बालासोर बस स्टैंड से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन है। अगर आप इस तरफ से आना चाहते तो ये मोड़ासा से लगभग ये 70 किलोमीटर की दूरी पर ये रास्ता पड़ता है। जो लोकेशन पर मैं आपको ले जा रहा हूँ वो इस तरफ है लीलवनिया। दोस्तों कच्ची सड़क है लेकिन बहुत बढ़िया प्लेस है, तो आप बने रहिए वीडियो में, हम चलते हैं उसी लोकेशन पर। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया नजारा है, देखो नेचुरल ही है, कितना बढ़िया दिख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये वो है लीलवनिया महादेव मंदिर, और आपको यहाँ का पूरा नज़ारा और यहाँ की जो भी स्टोरी है, यहाँ पर कैसे ये मंदिर हुआ, क्या है, ये सब हम वहाँ पर जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बने रहे वीडियो में, हम ले जाते हैं आपको वहीं पर, और आगे की स्टोरी वहाँ पर जाके बताते हैं। और आप जो देख रहे हैं ये अभी मंदिर का जो मेन पुजारी जी है, जय गिरिराज महाराज। दोस्तों यहाँ का जो भी जो हम सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं हमारे साथ। बहुत पुराने भगत की राधे कृष्ण की मूर्ति है, ढाई 300 वर्ष जूनी हो गई है, और इसके बाद ये मंदिर जगह की बनी हुई 300 वर्ष हो गया है। और यहाँ के प्रमाण पहले लोग यहाँ भंडारे बहुत करते थे, पब्लिक 11 को बहुत मोटा भंडारा होता था, पुराने लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा चालू था, चलता अभी धीरे धीरे चल रहा, बीच में खंडित हो गई थी जगह, लेकिन धीरे धीरे विकास होने को राज नहीं आ रहा। इसमें भी पहले शेर और आगे या पीछे आते थे, संत बेदगिरी जी महाराज यहाँ थे, उनको भी समाज में 200 वर्ष कम्प्लीट 150 वर्ष हो गया है। इतनी आता इसमें जो भी आता यहाँ पे आते हैं, हम लोग मानते हैं धोनी में तो पूरण होती है। दोस्तों ये जो धोनी आप जो दिख रहे हैं वो सबसे पुराने ही कहा जाता है, यहाँ का जो पहले जो पुजारी हुआ करते थे वो जूने पुजारी, जूने पुजारी यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और
तो अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ के मेन पुजारी हुआ करते थे, अभी जो सब चार जी ये इस महाराज के पास है, लेकिन सबसे पुराने पुजारी जी है जो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों जो ये महाराज आप देख रहे हैं अभी, उनका जीवन काल 110 साल हो चुके हैं अभी तक, फिर भी वो ऐसे ही मतलब चल सकती है, घूम सकती है, अच्छी उनकी हेल्थ भी है, आप देख सकते हैं। तो ये इस मंदिर का प्रताप है, इस भगवान का प्रताप है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस महाराज को। महाराज आपका कितना साल हुआ? 109 मैं 10 बोला हूँ, लेकिन 1911 का जन्म है, ठीक है। आप और तभी से आप यहाँ पर मतलब आपका कितने सालों से यहाँ पर उधर? मैं तो अभी तो यहाँ तो 2 साल से ही आया हूँ, बाकी पहले मैं हटीपुरा गांव में रहता था। यदि यहाँ मोहन गिरी महाराज रहते थे और यहाँ कोटी थी उनकी, और मैं जब से शेर आते थे यहाँ पर, शेर आते थे, क्या ये बात सच है? हाँ, शेर महाराज के पास ही बैठा रहता था, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। नहीं बैठा था, महाराज ही बोलते थे ना, एक कुत्ता है आ जाओ महाराज, इसे डरने का नहीं। आराम करो, आपकी तबियत तो ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? ना, 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 ना। ठीक है ठीक है, ओके आराम करो महाराज। महाराज की समाधि है, ये 200 वर्ष जूनी समाधि है, यहाँ पे संतों की समाधि लगी हुई, जूनी समाधि है, 200 वर्ष जूनी समाधि। लोग जूता समाधि बोलते हैं, लेकिन अपन खबर नहीं जूता है कि समाधि लिए हुए हो, लेकिन अपन खबर नहीं। अभी बैठे थे यहाँ बनी हुई दादी, यहाँ महाराज बैठे थे, यहाँ शेर बैठा था पहला उनके बगल में। तो ये जगह वो है जहाँ पर शेर आकर यहाँ पर बैठता था और महाराज यहाँ पर बैठते, महाराज यहाँ बैठते थे, शेर के बगल में बैठता था इनके, ये कुटी है और ये अभी ढाबा डाल दिया है, ये दुनिया में दुना है, महाराज की दुना है, ये अखंड दुना, ये भी अखंड दुना, वो भी अखंड दुना, ये मोहनगिरी महाराज का दुना है। दोस्तों आप जब भी आइए यहाँ पर तो यहाँ का दर्शन करके ही जाइएगा, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा लोकेशन है और जूनी जगह है, सबसे पुरानी जगह है, और आपका जो भी मनोकामना होगा ना तो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। हनुमान जी और शिव जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं, हम आपको अंदर से भी दर्शन करवाते हैं। आज आ जाएगा साइड में पंडित जी, करुणा हनुमान जी देंगे रहेंगे। 100 साल पुरानी समाधि है जो मोहन गिरी महाराज हुआ करते थे, उसका ये समाधि है, आप अंदर से भी हर वर्ष व्यूज ले लो एक बार। एक यहाँ भी समाधि है, वो कौन सी समाधि है? लक्ष्मणगिरी महाराज को अभी बनी नहीं है, अभी बनाया नहीं है, अभी मतलब नया है, 50 बार किया है वो, बनाया नहीं है। दोस्तों ये यज्ञशाला है जो यहाँ का जो अभी मारा अब बनाया है, मारा हम लोग दिल्ली नया बना, अभी नया बनाया है, एक साल हो गया। हाँ, हनुम यज्ञ हनुम एक साल आए यहाँ पे, अभी हनुमान जयंती बनाया इसको और यज्ञ किया भी यहाँ पे, कई देव की प्रतिष्ठा भी की। कोई भी आता है यहाँ पे एक शाला में विधि कराने आता है, कैसा भी आएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। मतलब जिसकी मन्नत होती है कुछ होती है, यहाँ पर आके यज्ञ कर सकता है, ब्याह हो, लगन नहीं हो, बाकी कोई अंदर से कमजोरियाँ होती है, वो भी मनोप्रक्रिया कमजोरी होती है, उनको पूरा करता है, जो भी जैसे उसकी इच्छा होती है पूरी करता है, कर सकता है यहाँ पर। तो ये आपने सुना, यहाँ पर जिसकी भी मन्नत होती है कुछ चीज के लिए, तो कोई उसको जो कुछ पाना हो अगर मिल जाए तो यहाँ पर आके यज्ञ कर सकता है, पूर्ण होती है।
हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक महाराज ने जल समाधि ली हुई थी, तो हम आपको वहाँ का भी व्यूज दिखाएंगे, आप बने रहे वीडियो में। तो यहाँ का लोकेशन बिल्कुल नेचुरल है, आप देख सकते हैं सब तरह, और बारिश के मौसम में आने का मजा ही कुछ और है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो हरियाली आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर। हाँ बोलिए महाराज, यहाँ पे कुछ बाबा जल समाधि लिए हुए हैं, युद्ध समाधि लिए हुए हैं। यहाँ पहले जब शुरू हुआ है यहाँ पे एक मिट्टी के लड्डू बच्चों को गुआरियों खिलाते थे, और बच्चों को कोई घर ले गया तो पति मनोकामना खत्म हो जाती थी। बोले लड्डू खाओ जो इच्छा पड़े मन में, वो बनाते थे, कपड़ा ढक देते थे, लड्डू खाओ जलेबी खाओ जो इच्छा पड़े वो बनाते थे। सिद्धि बाबा जी का प्रभाव था वहाँ पे, गंगा जी यहीं प्रकट खेलो, यहाँ गंगा जी यहाँ प्रकट हुई है, समाधि उन्होंने ली है, सामने महादेव की पूजा करते थे सामने, इनकी पहले पुराना देव स्थान ये है महादेव का, ये जूना महादेव का स्थान है, यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, और ये सामने काली माता है, अंदर भैरव गुफा है, अंदर भैरव गुफा यहाँ अंदर काली भैरव गुफा है, अंदर रस्तो जिधर सुधी जी जाए ना, जिधर उन्हीं रस्ता यहाँ से यहाँ जाता है अंदर। ये झरना 12 महीने चलता रहता, पानी कभी छूटता नहीं है, पानी टाइम ही भरा रहता है, ऐसे चलता रहता है, बारिश में भी चलता है, गर्मी में भी चलता है, बारिश हमेशा हो कि ना हो पानी चलता रहता हमेशा। ये मनोकामना यहाँ भी पूरी होती है, कोई भी गांडा हो अपने मन की कामना लेके आवे, बच्चे नहीं होते हैं वो मन की कामना लेके आवे, यहाँ पे रखे उसकी मनोकामना पूरी हो, गंगा जल में स्नान करे उसके मन कामना पूरी हो। तो जो ये सिद्धि बाबा जी का जो आपको दिख रहा है, ये अपने यहाँ पर जब पहले गोवाल जो बच्चे लोग थे यहाँ पर जो पशु चराते थे, हाँ। तो वो मतलब खेल रहे थे, जो मिट्टी के लड्डू बना के वो खेल रहे थे, तो जब ये बाबा जी ने देखा तो उस पर चद्दर रखकर उसको बोला कि आपको जो चाहे वो मांग लो, तो बच्चों ने खाने के लिए जो लड्डू का जो मांगा तो वो लड्डू सच में रियल लड्डू बन गए थे। और ये कृष्ण बाबा जी का जो समाधि है जल समाधि, और बोलते हैं कि यहाँ पर ये खुद गंगा जी प्रकट हुई थी, और आप जो सामने देख रहे हैं आपका वो शिव जी का जो गुफा है, और दोस्तों ये यहाँ पर एक गुफा पड़ती है जो मैंने भैरव गुफा, उसको भैरव गुफा बोलते हैं, दोस्तों बोलते हैं कि यहाँ की जो गुफा है वो केदारेश्वर गंगा माता केदारेश्वर तक वो गुफा वहाँ तक निकलती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप जब भी आओ जो जो भी हमने ये लोकेशन दिखाया है आपको, आप यहाँ पर आके विजिट करो। और दोस्तों एक खास बात मैं बोलता हूँ, जो इस कुंड का एक महत्व है, जो कोई पागल आदमी होता है, कोई पागल आदमी होता है या किसी को कुछ बच्चे नहीं होते कुछ भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस कुंड में आकर नहाते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों। ये चमत्कारिक कुंड भी कहा जाए इसको, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का बिल्कुल नेचुरल नज़ारा है। आगे जल वह कुंड है, पानी वहाँ 12 महीने वहाँ कुंड है, हाँ वहाँ भी कुंड है, कौन आओ वहाँ भी 12 महीने पानी करता है, सामने जाओगे ना वहाँ से चल रहता है। अब हम आ गए हैं शनिदेव का जो मंदिर है, हम उनका भी विजिट करवाते हैं। शनि महाराज की पूजा भी हनुमान जयंती करने में आ गए, हनुमान जयंती हनुमान ने एड ने किया और संजय की चर्चा कराई है, इसका काम अभी थोड़ा चालू है, काम अधूरा बाकी है, काम अभी मैंने पूरा होगा। दोस्तों ये जो अभी जो शनिदेव का मंदिर है वो अभी नया बना हुआ है, और उनका काम सब देख रहे हैं, वो अभी चल रहा है, तभी उसका काम मंदिर पूरा हुआ नहीं है, हो जाएगा जल्दी। दोस्तों
आपने देखा जो ये लिलोनिया महादेव का जो मंदिर है इसके बारे में पुजारी जी ने, मैंने और जो वहाँ का एक लोकल भाई था मोहन भाई, सबने यहाँ की जो डिटेल है दी है। तो आप दोस्तों यहाँ पर आए और इस मंदिर का विजिट करें, बहुत बढ़िया लोकेशन है और आपके मन को भी शांति मिलेगी यहाँ पर आके, कि यहाँ का जो लोकेशन ही ऐसा है, यहाँ का जो नज़ारा है आपने मेरे वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा और यहाँ की विजिट लीजिएगा। दोस्तों हम ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।